If, अगर आप रिस्क ले रहे हो अगर ये करने से इज़ नथिंग टू लूज़, देन डू इट। मिस्टर इंडिया पार्टिसिपेट करने से देर वाज़ नथिंग टू लूज आई पार्टिसिपेट इट डर रह, डर रहा था मैं exactly. तो एक तो, तो मैंने लाइक से जो सीखा है शायद जब तक पानी बहता रहता है तो चलता रहता है जिस दिन पानी रुक जाता है उसमें

दिन आई रियलाइज किए मिस्टेक से कुछ सीख रहा हूँ मैं exactly. तो एक ऐसा वक्त आ गया था मेरे लाइफ में कि इतने मिस्टेक्स करने लग गया था मैं और कुछ भी नहीं चल रहा था काम वाम भी बहुत थी हर हर चीज़ बहुत स्लो हो गई थी एंड इट टुक मी टाइम टू गेट आउट ऑफ इट इट टुक मी लॉट ऑफ टाइम मे बी सोशल मीडिया देख के लोगों को पता नहीं चलता मे बी मैं जिस तरह मैं हूँ बात भी करता हूँ किसी uh -huh. को पता नहीं चलता बट अंदर ही अंदर आई वॉज हैविंग सो मैनी इशूज़ बट ना वेन आई लुक बैक आई फेल्ड इट ऑल हैपन फॉर गुड क्योंकि वो मोमेंट से बहुत सीखा मैंने

वो पिक्चर क्यों नहीं लगती जब रो रहा है कोई जब झगड़ा कर रहा है किसी से right. या या वो पिक्चर जब जैसी किसी के चेहरे पे फुंसी आ गई हो right. बहुत कम लोग लगाते हैं exactly. बहुत रेयरली आजकल चल रहा है कि दिखाने के लिए सो सोशल मीडिया की लाइफ शुड नेवर गो फॉर इट जैसे मेरी लाइन थी मैंने कहा जब पानी बहता रहता है तो आप हमेशा लाइफ में चलते रहते हो right. बट एक टाइम वो भी तो आता है पानी रुक जाता है और पानी में फिर काई लेना शुरू हो जाती है तो क्या आपको लगता है कि लाइफ में जब हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं फिर हम वैसे रुक जाते हैं तो क्या वो काई लगना सही है स्टॉप तो नहीं होना चाहिए हाँ। कभी भी डेफिनेटली एक ऐसा स्टेज आता है लाइफ में जो जैसा हम सोचते हैं वैसी लाइफ होती नहीं होती है नहीं चलती है, नहीं, नहीं है राएग, मेरी राएग, स्कूल टाइम में मेरी लाइफ उतनी ग्रेट नहीं थी मेरे इतना दोस्त थे बाद में कॉलेज में दोस्त बने और ऐसा आता है लाइफ में आई थिंक एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि सब्र रखना चाहिए कि हाँ हमारा भी टाइम आएगा हाँ, चीज़ें बदलेगी तो पेशेंस ही रखना चाहिए पेशेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग जो आई हैव हैर्न ऐसा मौका बहुत कम हुआ बट मैंने सोचा है लाइफ में कि गिव अप कर दूँ ये इंडस्ट्री इतना सब कुछ हो रहा है

क्या लगता है आपको लाइफ में जो अब आप कर रहे हो क्या उससे आपको कुछ फायदा मिला तो जिंदगी में पीछे किया किया लुक बैक आग, तो तो अब मुझे जो मैं अब काम करने जा रहा कुछ फायदा मिला आपको पीछे की हाँ हर एक चीज़ में एक अलग एक्सपीरियंस था जैसे कि मैं डिस्कस ही कर रहा था आपसे कि मैं पहले फर्नीचर बेचता था और मैं बहुत कंटेंट था उस चीज में मैं बाईस साल का था इक्कीस बाईस साल का मैं फर्नीचर बेच रहा था बहुत खुश था मेरे घर से इनिशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा था मॉडलिंग करने के लिए बट मैंने सोचा कि अभी तो खुश हूँ मैं बट ये 22 से 26 साल तक शायद मैं एक्टिंग पे कोशिश कर सकता हूँ क्या जाएगा वट इज़ देयर टू लूज अगर नहीं हुआ तो फिर से आ जाऊँगा बिजनेस करने लग जाऊंगा exactly. या फिर जॉब कर लूँगा exactly. तो कोशिश जरूरी है exactly. क्योंकि एक चाहत थी कि मैं शायद हाँ और जब मैं बहुत आ, मुझे कुछ डाइट का आइडिया नहीं था वर्कआउट कुछ नहीं <laughs> मालूम मुझे नहीं पता था कुछ भी और कोई देखकर मुझे बोलेगा भी नहीं कि तुझे मॉडलिंग में ट्राई करना चाहिए बट मेरी ख्वाहिश थी मैंने कोशिश की और वो जब मैं कोशिश कर रहा था मैं हंड्रेड परसेंट देता हूँ अपना आई बिलीव इन नॉट सीलिंग इन टू बोट्स आई बिलीव गिव इट ऑल इन वन थिंग वॉट यू हैव

जब मैं आ, आ, घर आता था तो मेरे दोस्त थे जो हंसी मजाक करते हैं बहुत पॉजिटिव <laughs> है इंस्पायरिंग है तो दिल दिलो खुश हो तो जाता जा था फिर दूसरे दिन फिर तो एक बैलेंस होना चाहिए वो हो, लाइफ में अगर सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं सिर्फ पॉजिटिव है सिर्फ तुम दोस्तों में फिर रहे हो काम नहीं कर रहे हो तो इट गोज़ तो इट्स ए गुड बैलेंस राइट गुड पीपल अराउंड यू हु पुश यू यू वर्किंग हार्ड एंड यू स्लीपिंग नाइसली एंड कीपिंग अ हेल्दी बॉडी Mentally sorted role role right, right. role play 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 yeah. life change change job up right right I think hard work is very important because अगर आप अगर मैं अपने craft पे मॉडलिंग जब कर रहा था मैं जिम तो जिम करना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए diet करना इंपॉर्टेंट था नॉलेज भी गेन करना important था कि इंटरनेशनल मॉडल कैसा दिखता है क्या करता है तो so, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए अगर उसमें मैं तीन चार घंटे रोज़ नहीं निकाल रहा हूँ तो मैं हार्डवर्क कैसे yes. कर रहा हूँ वो दिशा में hmm. काफ़ी सारे लोग सिर्फ जिम जाकर आ जाते तो वो पूरा हार्डवर्क नहीं हुआ है सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको एक्टर बनना है तो अब मुझे वॉइस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक्टिंग क्लास में दो तीन घंटे निकालने पड़ेंगे एक घंटा मूवी देखनी पड़ेगी ये रोज़ कंसिस्टेंटली मैं महीनों महीनों भर करते गया पॉजिटिवली तो वो कुछ चेंजेस आएंगे सिस्टम में So, uh, जैसे अगर मैं आपका मैं बोलूं कि ठीक है कि uh, एक एक रिलेशनशिप एक में दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है जब दोनों एफर्ट लगाएंगे तो आपका टेक क्या है इस पर मतलब आपको लगता है कि हाँ रिलेशनशिप कि कब आपको लगता है ग्रो करता है आई थिंक अंडरस्टैंडिंग से बहुत ग्रो करता है कंपानियनशिप देर इज सेक्रीफाइस एज वेल क्योंकि दो इंसान बहुत अलग रहते हैं सबके व्यूज़ बदलते हैं हर एक इंसान अलग होता है तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं किसी और के लिए इतना नहीं बदल जाऊँ कि मैं खुद वो इंसान नहीं हूँ तो वो मुझे ध्यान रखना है जैसे मैं अभी अंकित से बात करूँ आज मिला हूँ मैं अपना मैंने अपना काम किया है मैं इस तरह बैठता हूँ इस तरह उठता हूँ वो मैं किसी और के लिए नहीं बदल सकता हूँ और कुछ वक्त के लिए बदल सकता हूँ और वो कुछ वक्त के लिए किसी को अपना बनाने के लिए बदल जाऊं फिर बाद में शादी होने के बाद मैं कुछ और इंसान हो जाऊं जो मैं नॉर्मल हूँ hmm. तो फिर नथिंग वर्क्स आउट सो आई वांट टू बी माई सेल्फ बट एट द सेम टाइम्स अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड रेस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज और मैं चाहता हूँ कि वो आगे वाला इंसान को मैं यू uh, नो you know, उसके लाइफ में जो भी हो रहा है उसको पुश करूँ वो मुझे पुश करे इट्स गिव एंड टेक एंड इट्स नॉट अर्लियर इट सम्स टू बी ओनली अबाउट ब्यूटी कि ये खूबसूरत दिख गई एंड देन या नॉट एनी मोर इन्फेचुएटेड हाँ अगर इफ़ यू आस्क मी ऑल्सो फाइव ईयर सिक्स ईयर डाउन द लाइन आई वुड हैव बीन इन्फेचुएटेड बाई ब्यूटी एंड आई फील दिस इज लव बिकॉज शी इज सो ब्यूटिफुल लुक एट अर आईज बट दैट इज वन पर्सन आउट ऑफ दैट ह्यूमन बींग नाइंटी नाइन परसेंट इज देयर बिहेवियर देयर ट्यूनिंग देयर देयर you know all those things are very important and what what is the one thing you you look in other person that this should be the quality

आई एम डूइंग रियली गुड काम कर रहा हूँ मैं बट कभी कभी लगता है कि एवरी थिंग दैट वी आर डूइंग इज ओनली बिकॉज ऑफ लव यू टू लव समी वी वॉन्ट लव आ वर्क सो इट शुड बी लव एवरीथिंग शुड बी सराउंडेड जो आप करना चाहते हो लाइफ में आ, और जिसके साथ आप काम करते हो सब प्यार से अगर हो सके तो ही पैशनेटली कर सक पाएंगे आप कैसे समअप करोगे लव को एक स्टेटमेंट कैसे समपअप करोगे ये, ये होना चाहिए love is uh, doing everything uh, that you are passionate about mm -hmm. that is love it's also caring love is caring love is uh, probably when i meet, met you uh -huh. i wanted to know about what's happening in your life exactly. that's love a uh, care knowing for a friend other, right. knowing each other right. love is caring i guess exactly and what 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 is the message you want to give to your audience okay this is the this is what real me is So, what you you? you want to say to say the, the people who loves you? Okay. Yeah. Thank you firstly for फॉर लविंग <laughs> uh, My simple message to all is that uh, it's it's a very simple life. We complicate it. And over the years हम जैसे बड़े होते रहते हैं हमारे life में इतने complications आते रहते हैं uh, क्योंकि हमारे पास responsibilities आ जाती है कुछ बनने के लिए हम सोचते हैं प्रेशर आ जाता है कि कुछ बनना है क्योंकि घर खरीदना है पैसे कमाने हैं भाग दौड़ करना है तो आई थिंक वो एक जो होता है टारगेट दिमाग से हटा देना चाहिए कि ये उम्र में शादी करनी है ये उम्र में मुझे घर चाहिए अपने आप में इतना प्रेशर करके इंसान कुछ नहीं कर पाता नहीं है सो ब्रेक दैट स्टीरियो टाइप वही मैसेज मैं देना चाहता हूँ अपने से जितना हो सके तुम्हें करना चाहिए जितना हो सके इन द मोमेंट जीना चाहिए अगर मैं इन द मोमेंट अभी आप तुमसे बात करके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ नीचे इवेंट में आई एम इन द इवेंट आई एम जस्ट डूइंग माई वर्क And enjoying little small <laughs> things, I small think things. that's very important. Exactly. Because once we grow up, we forget to enjoy small little things, and everything starts with small little things None in big life. Bigger things, bigger picture. Yeah. Yes. Uh, as far as I know, Rohit, so he's very much spiritual also. Yeah. So how what kind of role play does this, this, this spirituality play in your life?

और uh, मैं हमेशा नॉन फिक्शन बुक्स पढ़ते रहता हूँ जहाँ पे कुछ सीखूँ मैं बुक्स पे मैं किसी और की जर्नी में सीखने में मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ कि किसी ने अपने लाइफ में क्या मिस्टेक्स किए हमें क्या करना चाहिए सो आई एम वेरी स्परिचुलल दैट वे डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना नेटफ्लिक्स में आई वॉज वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन ह्यूमन माइंड सो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद है एंड आई डोंट नो आई फील दर इज़ अ स्ट्रॉग कनेक्शन विथ ऑल दैट

हाँ ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपकी लाव पूरी आपकी ऐसी रिस्क नहीं लेना चाहिए कि आपकी लाइफ दाव पर लगा दी आपने हाँ अगर मैं एक मेरा एक कोड है हमेशा मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ इफ अगर आप रिस्क ले रहे हो अगर ये करने से इफ देर इज नथिंग टू लूज देन डू इट इट मिस्टर इंडिया पार्टिसिपेट करने से देर टू लूज आई पार्टिसिपेटेड डर डर रहा था मैं एग्जैक्टली एंड बॉम्बे आने से पहले देर इज नथिंग टू लूज तो आई पार्टिसिपेटेड सो इफ देर इज नथिंग टू लूज डू इट यू माइट विन इट That's what happened. <laughs> That's what happened. Exactly. So, thank you. Thank you, Rohit. Thank you for being <laughs> in our show. And the best part is that nobody knows about the spirituality part that only we do. <laughs> <into the> <laughs> so, yeah. Thank you. Thank you for coming in my show.